कामरान की किनारे कुछ घर वगैरह। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं मोहम्मद कामरान, स्वागत है आपका केपुरी न्यूज़ में। हमें मधुबनी जिला के अंतर्गत मकिया गांव में बेनीपट्टी क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा एरिया आता है। जिस तरह से बिहार में बुलडोज की राजनीति की जा रही है, वही भूमि सुधार मंत्री है, उनका जो ये फैसला है लोकतांत्रिक के हित में कितना सही है, ये तो हम यहाँ के ग्रामीणों से पूछेंगे। जिस तरह से एकदम आम गरीब लोगों के घर को बुलडोज किया जाता है, तोड़ा जाता है, लेकिन वही बिहार सरकार के अधीन जो हमारे मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार के राज्य में, जिस तरह से एकदम गरीब लोगों के घर को बुलडोज किया जाता है, क्या कुछ सही है? ग्रामीणों से पूछेंगे ये घर किनका है जिनका तोड़ा गया है। हमारा है, मोहम्मद इधर आ जाइए आप। ये जो अभी आपके घर को तोड़ा गया, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या आपको नोटिस था? नहीं, नोटिस नहीं। ये घर बिना नोटिस के आपके घर को तोड़ दिया गया? अच्छा, क्या कहा है जब शासन यहाँ पे प्रशासन आई तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं, कुछ नहीं बोला, सीधे फिरा दिया, बुलडोजर ऐसे चला दिया था। चला आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला? कुछ नहीं, अभी भी आया तो कुछ नहीं बोला। कितने बजे तोड़ा गया? ये अभी तोड़ा है, जस्ट तोड़ा गया। अच्छा, तो यहाँ पे और भी लोग हैं, एक आम जनता है, हम जनता से पूछेंगे। ये बताइए, आपके जो बिहार में बुलडोज की राजनीति की जाती है, लोगों को बिना नोटिफिकेशन का जेसीबी बुलडोजर चला दिया जाता है, ये कितना सही है? क्या कहेंगे आप इसपे? ये तो सरकार तो खुद ही गिरा रही है घर को, किस पे आप कानून की कार्रवाई कर रहे हैं? आइए और लोगों से हम पूछवाते हैं, बताते हैं। ये पूरा जो घर है मोहम्मद इसरार जी का, ये घर था, आपने देखा कि किस तरह से ये घर झोपड़ी था, इसको तोड़ा गया, हटा दिया गया। अभी कुछ दिन पहले लोकल स्तरीय जो प्रशासन है, थाना है, और सारे लोग यहाँ तो ये घर को राजनीति की जाती है, ये बुलडोज की राजनीति बिहार के अंदर शासन बाबू के राज्य में कितना सही है, क्या कहेंगे? अच्छा, एक ग्रामीण है यहाँ पे, हम जानेंगे सर, ये जिस तरह से बिहार के अंदर बुलडोजर की राजनीति की जाती है, आम गरीब ग्रामीण लोगों का घर तोड़ दिया जाता है बिना नोटिफिकेशन, ऐसे क्या कहेंगे इस बारे में? इस तरह से सुनना है, उन्हीं लोगों का तोड़ा जा रहा है जो बेचारे कमजोर है। ये मतलब ये टीन का पटरा लीगल था, ये बिल्डिंग लीगल है क्या? ये बिल्डिंग भी थोड़ा दिखाइए। यहाँ पे जो अभी यहाँ पे जो अभी प्रशासन आई, प्रशासन के पूरे लोग आए, उनके सामने ये बुलडोज किया गया, इस पे क्या? उनको सबको कहा है तो वो कहते हैं कि जिस पे कंप्लेन रहेगा उस पे हम काम करेंगे। क्या इस घर पे कंप्लेन था? नहीं, अब इसका कोई नोटिस नहीं आया, कोई कंप्लेन नहीं, कोई नोटिस नहीं आया। आप कहाँ के रहने वाले? यही का रहने वाला हूँ। आइए और भी कुछ लोगों से हम जानते हैं। कामरान लोगों की कतार लगी हुई है, जाना जाता है हाईवे के किनारे, कुछ घर वगैरह थे यहाँ पे अभी। बिल्कुल गलत है, जेसीबी ला के हम लोगों का घर तोड़ दिया जा रहा है, कहीं से कहीं, यानी जेसीबी और भी यानी जगह कार्रवाई होनी चाहिए। एक ही खाता खेसा नंबर से यहाँ से लेकर और वहाँ तक है, तो उसको नहीं है, बेचारा गरीब आदमी है, यहाँ नहीं है, उसको खबर होनी चाहिए, उसके बाद उसको तोड़ा जाना चाहिए, कोई खबर नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आप खुद ये बताइए कि सरकार जो है अपना अतिक्रमण मुक्त कर रही है, वो जो कह रही है सरकार की जो अवैध कब्जा है, सरकार की जमीन है, उसको खाली करवा रही है, क्या ये सही है? देखिए, खाली करवा रही है सरकार, वो सही कर रही है, लेकिन उसका तरीका है, उनको इन्फॉर्मेशन किया जाए, उसका लाखों का सामान बर्बाद हो गया, वो अपना हटाता उसको, और भी जगह है उसको भी खाली करवाया जाए। सरकार तो इसलिए खाली करवा रही है इसलिए कि सरकार को जगह नहीं मिल रहा अपना काम करने के लिए, जो कोई भवन बनाना है ये बनाना है, इसीलिए वो नीतीश कुमार का ये फैसला आदेश हुआ है कि भाई इसको खाली करवाया जाए, लेकिन सबका ना खाली होगा कि कोई एक आदमी का हो जाए,
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री क्या कहेंगे, जो फैसला कर रहे हैं बिहार के हित में आम घरों में रोज किया जाता है, ये सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। अरे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बिहार को एक अच्छा बिहार बनाना चाहते हैं, विकसित बिहार बनाना चाहते हैं, जो बुलडोज किया जाता है, क्या इससे जो हमारा बिहार है वो विकसित हो रहा है? नहीं, कहाँ से हो जाएगा? बिहार को यही तरीका है कि जेसीबी से अगर खाली करवाएगा, तोड़ देगा, तभी बिहार अच्छा बनेगा। क्या नाम हुआ आपका, क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मिराज है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अभी जो यहाँ पे प्रशासन आई थी, पूरी सीए मैडम आई हुई थी और दीगर जितने मधुबनी स्तर के वरीय पदाधिकारी थे, वो सारे लोग आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, कुछ कहेंगे आप? और जेसीबी को यहाँ पे चलाया गया और जितने प्रशासन बल थे क्या कहेंगे, ये जो घर दिखा रहे जिसे बुलडोज किया गया, तोड़ा गया, कहा ये जा रहा था कि ये सरकारी जमीन थी, इसी कारण से जो इस घर का अतिक्रमण किया गया, इसको बुलडोज किया गया। भाई आलोक मेहता जी हैं भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार, इससे पहले ये आदेश दिया गया था कि बिहार के 18 जिला में प्रस्ताव पारित किया गया था, वही 79 जो प्रखंड है उसमें ये घर को बुलडोज किया जाएगा, तो ये आदेश जो है जारी कर दिया गया था बहुत पहले ही, लेकिन अभी उसी का ये सिला है कि अब बेनीपट्टी प्रखंड के अंतर्गत भी मकिया बिशनपुर जैसे गांव में भी ये बुलडोज किया गया अतिक्रमण के नाम पर। तो वही हमने अलग अलग ग्रामीणों से बात की, वो आप देख रहे थे K4 News। सबसे पहले इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे साथ।